26 जिला में हमारा संगठन तैयार हो चुका है, जिसकी सूची आपको दी जाएगी। और आने वाले जून और जुलाई महीने में हमारा 100 विधानसभा में प्रोग्राम होगा, जिसमें हर विधानसभा में हम लोग ई चौपाल और लोगों के बीच रूबरू होंगे। और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं से अवगत कराना और जुलाई अगस्त में अपना पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार करना। और इसी बीच में बिहार में पहली बार AI और मशीन लर्निंग के एनेबल्ड हम लोगों ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है अपनी पार्टी का, BSP भारत। और जिस मोबाइल लॉन्च के तहत हम लोग का टारगेट ये है कि आने वाले 2024 चुनाव के पहले 10 लाख लोगों को अपने पार्टी से कैसा जुड़ा जाए। और वो ऐप सिर्फ ऐप्स ही नहीं है, उसमें जितने भी आम जो कार्यकर्ता हैं चाहे आम लोग हैं, उनको सरकार को किस तरह से पहुंचा जा सके, सरकार अगर उनकी कोई समस्या है तो हम लोग उनको समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो हमारा लक्ष्य अभी साफ है, 2024 में 12 लोकसभा में चुनाव लड़ना और जून और जुलाई में 100 विधानसभाओं में पार्टी को मजबूत करना, क्योंकि हमारा जो समाज है, अति पिछड़ा समाज, इन 100 विधानसभाओं में काफ़ी प्रभावित करता है। तो वहाँ संगठन में मजबूती करके आने वाले चुनाव में एक समीकरण और अति पिछड़ा निषाद समाज, अति पिछड़ा दलित, महादलित, अल्पसंख्यक की एक जो समीकरण बना के 2024 में बिहार और झारखंड में, क्योंकि जो झारखंड में विधानसभा और लोकसभा एक ही साथ होने वाला है, तो वहाँ पे भी हम लोग 4 लोकसभा और करीब हम लोग 20 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। अभी क्या ये है, हो सकता है कि आंकड़ा बढ़ सकता है, तो पूरी बिहार और झारखंड की टीम, और चूँकि डॉक्टर नैयर साहब के आने से हमारी टीम काफ़ी मजबूत हुई है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष गौतम बिंद जी ने भी काफ़ी संगठन में काम किया, उनके आने से हमारी संगठन काफ़ी मजबूत हुई है। और जो हमारा लक्ष्य है कि 100 विधानसभा बिहार और 20 विधानसभा झारखंड में। एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और संगठन विस्तार के लिए प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, जिसमें पार्टी के हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी ने स्पष्ट रूप से बताया और इन्होंने संगठन को विस्तार किया, जिसमें हमारे झारखंड से पी नैयर साहब झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और बिहार से हमारे भाई गौतम बिंद जी बिहार से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। और कुछ जिला इकाइयों का भी गठन माननीय प्रदेश अध्यक्ष गौतम जी के द्वारा और झारखंड के इकाई का गठन पी नैयर साहब के द्वारा किया गया है।